डांस उठाता है। ऐसे तो हमारे वेद पुराण हर जगह नृत्य का बहुत उल्लेख है, पुरानी इतिहास भी बहुत है। वेदों में हमने देखा है, स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में भी भगवान शिव नृत्य थे, विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके नृत्य किया था। तो पूरे वेद में हमारे में यहाँ तब भी हम लोग एक इकट्ठे जब होते थे और इधर उधर भटकते थे खाने की तलाश में, तब भी बिल्कुल सही कह रही है, हर जगह है। हम लोग मॉर्निंग असेंबली में भी आते हैं तो संगीत से ही स्टार्ट होता है। हम बोले बिल्कुल मॉर्निंग असेंबली, हम बोले सुबह से लेके रात तक हमारा हम लोग का क्या है, संगीत पूरे ब्रह्मांड में है, इसलिए कहा गया है। गाय मान जो तीनों मिला देते हैं तो हम लोग प्यार में बन जाता है संगीत। और हम लोगों का सुबह जो सूर्य की किरण आती है और जब ढलता है तब भी एक गति में होता है। तो हर चीज़ हमने बताया कि बच्चे डांस तो आप जान गए कि उमंग में नाचने लगे, किसी तरह से भी हम जब खुश होते हैं तो डांस करने लगते हैं। लेकिन उसका बेसिकली क्या होता है, दो फॉर्म होता है, एक इंडियन क्लासिकल कहते हैं और दूसरे को फोक कहते हैं। जब हम बहुत उमंग में बिना कुछ भी उसमें कोई लय बद नहीं क्या आपने बच्चों को रस और मुद्रा के बारे में बताया? जी जी, इसके बिना डांस की कल्पना नहीं कर सकते। इनका क्वेश्चन रीड करता हूँ, बिना रस और सर कहना चाह रहे जिस व्यक्ति को लय का ज्ञान नहीं है, म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, उसको डांस अब कैसे पढ़ेगा? इंसान को क्या है, रस क्या है, ये करवाया है उसको, अगर ये हर एक चीज को पकड़ा के तो आराम से करेंगे सर। वो तो हम लोग डांस करते भी बात गाइड करते भी पढ़ते हैं, बात करते हैं म्यूजिक टीचर और डांस टीचर को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। लय का ज्ञान म्यूजिक टीचर का रहेगा, जब जो म्यूजिक का ज्ञान नहीं होगा डांस उतनी ज्ञान में दिक्कत हो सकती है।